अरे सलमान खान को आपने धमकी दिलवाई? पटौदी के खोड़ गांव में दो शराब कारोबारी भाइयों की हत्या मामले में गुरुग्राम पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को प्रोडक्शन वारंट पर लेने की तैयारी कर रही है। क्या कुछ ये पूरा मामला है? हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, सर क्या कुछ ये मामला है और काफी वक्त हो चुका है, 25 फरवरी 2022 की ये सुबह की वारदात है, अब तक क्यों नहीं उसको रिमांड पर लिया जा सका? देखिए, ये खोड़ में डबल मर्डर की घटना हुई थी फरवरी 2022 में, और उसमें कुछ लोग नामजद थे, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जब की गई, हमने काफ़ी सारे लोग उसमें, लगभग 17 लोगों की अभी तक हम गिरफ्तारी कर चुके हैं, और उसमें लॉरेंस बिश्नोई की भी इन्वॉल्वमेंट आई थी, तो उससे पूछताछ करने के लिए हमने प्रोडक्शन वारंट लगाया था। और जब वो दूसरी जेलों से फिर दूसरी जगह पुलिस रिमांड पे चला गया था, बार बार कहीं दिल्ली पुलिस में या कहीं पंजाब पुलिस की लगातार पूछताछ चल रही थी, तो इन बिटवीन वो प्रोडक्शन वारंट पे यहाँ नहीं आ पाया और उससे पूछताछ नहीं हो पाई। लेकिन अब हम उसको, अगर जब वो स्थिर हो जाएगा एक जेल में, तो हम प्रोडक्शन वारंट लगा के और उसको लेके आएंगे और उससे पूछताछ की जाएगी। दक्षिण हरियाणा की पहली सनसनीखेज घटना थी सर, जिसमें कि गोल्डी बराड ने इसकी सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली थी। किस किस गैंगस्टर से आपने इस पूरे केस को लेकर पूछताछ की है? काला जठेड़ी, नरेश सेठी और लॉरेंस बिश्नोई, ये शुरुआती तफ्तीश में आपने बताया था कि इन्हें प्रोडक्शन वारंट पर लेने की तैयारी की जा रही है, किस किस से अब तक आपकी पूछताछ हुई है और क्या कुछ पूछताछ में निकल कर सामने आया सर? देखिए, इसमें यहाँ के जो खोड़ गांव के ही अजय जेलदार और रोहित की इन्वॉल्वमेंट थी, और उनका संपर्क नरेश सेठी से था, नरेश सेठी का संपर्क आगे काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई से था। इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई हैं, तो उसमें नरेश सेठी को तो हमने जब ही अरेस्ट कर लिया था, और इसको काला जठेड़ी को और लॉरेंस बिश्नोई को लाने के लिए हमने प्रोडक्शन वारंट जारी कराए थे, तो वो अभी तक वहाँ पे कोर्ट में पेश नहीं हो पाए हैं, और उसके लिए आगे हम प्रयासरत है और बहुत जल्द उनको लाके पूछताछ। अच्छा सर, गैंगस्टर काला नरेश सेठी से भी आपने पूछताछ की थी, क्या शुरुआती पूछताछ में सामने आया था कि लॉरेंस बिश्नोई की इस दोहरे हत्याकांड में महत्वपूर्ण भूमिका थी? बिल्कुल, उसकी इन्वॉल्वमेंट उस इन्वेस्टिगेशन में आई है, इसीलिए हमने पूछताछ के लिए उसका प्रोडक्शन वारंट जारी करवाया था, और जब वो आ जाएगा, हम पूछताछ की जाएगी, तो उससे चीजें और साफ हो पाएंगी। सर, पटौदी में हुआ जो ये डबल मर्डर था, इसके बाद से आपने लॉरेंस बिश्नोई के नेक्सस को बेनकाब किया था, कितने कुछ ऐसे उसके शूटर थे या फिर उसके सहयोगी थे जिन्हें गुड़गांव पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा? लगभग 17 आदमी तो हमने इस खोड़ के डबल मर्डर में ही अरेस्ट किए हैं, उसके अलावा भी कुछ एक्सटॉर्शन कॉल थी, और उनमें जो लॉरेंस के या काला जठेड़ी ग्रुप के जो लोग थे, उनको टोटल मिला के अब तक हमने 25-26 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं हम, और आगे भी जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट रहेगी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर भी क्या प्रोडक्शन वारंट लगा रखा है गुड़गांव पुलिस ने सर, और कब तक उम्मीद जताई जाए कि ये इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी? बिल्कुल, हमने लगाया था प्रोडक्शन वारंट, जैसा कि मैंने बताया कि उस पर ये कोर्ट में यहाँ प्रोड्यूस नहीं हुआ, और इसलिए बार बार उसको रिपीट भी कर रहे हैं। अब हम उसका दोबारा से पता कर रहे हैं कौन सी जेल में स्टेबल है, और वहाँ फिर लगा के प्रोडक्शन वारंट पे ला के और उससे पूछताछ की जाएगी। शुक्रिया सर। तो ये हमारे साथ एसीपी क्राइम थे, जिनका कहना है कि बीती 25 फरवरी की सुबह उस वक्त इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया था, जबकि सुरजीत और परमजीत ठाकरान, जो कि पटौदी में ही शराब कारोबारी थे, इन्हें पिछले काफी लंबे समय से अजय जेलदार के द्वारा धमकी दी जा रही थी, नरेश सेठी के द्वारा धमकी दी जा रही थी कि शराब के कारोबार में उनका हिस्सा मिलाया जाए या न था अंजाम भुगतना पड़ सकता है। और 25 फरवरी की सुबह तकरीबन 8 से 10 हथियारबंद बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने 17 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे जरूर भेजा। नरेश सेठी, गैंगस्टर नरेश सेठी से भी पूछताछ की, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ नहीं हो सकी थी। इसको लेकर अब गुरुग्राम पुलिस के अधिकारियों की माने तो प्रोडक्शन वारंट लगाया गया है लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के लिए, और जल्द ही उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेकर इस पूरी हत्याकांड की जो परतें थी उन पर उसका खुलासा कर दिया जाएगा। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम हरियाणा तक।